अच्छा तू तो यहाँ पे मैंने बेसन छान के ले लिया है। तो आजकल हमें हर चीज छान के लेनी चाहिए, मतलब छांट लेनी चाहिए आजकल, क्योंकि बरसात का मौसम है तो कीड़े वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेसन को छांट लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज और अरबी के पत्ते भी इसके बीच में ही थोड़े से यहाँ पे ये काट लिए हैं। और साथ यहाँ चूल्हे पे हमने रख ली है कढ़ाई और यहाँ पे हमने ये डाल दिया है सरसों का तेल। तो यहाँ पे सरसों का तेल काफी गर्म होने लगा है, देखिए इसमें शायद गीला था भी। तो हम इसको अभी काफी गर्म कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें पकौड़े बनाने हैं। तो अभी मुझे जो इसमें मसाले ऐड करने हैं वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने साथ में दो आलू ये भी मैंने ले लिए हैं, इनका छिलका निकाल लिया है। तो मैं इनको धो लेती हूँ और बारीक करके काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए इसमें आलू, हल्दी, नमक, मिर्च, लहसुन और प्याज और कुछ इसमें अरवी के पत्ते और मोटा कटा हुआ प्याज, ये मैंने सारा इसमें सामान ऐड कर लिया। और यहाँ से मैंने बेसन भी ले लिया। तो सॉरी भाई मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो को मैंने पॉज करके रखा था, तो ये गलती से बंद ही रह गई। और यहाँ पे मैं अब इसका घोल बना लेती हूँ। तो अभी मैं इसको ऐसे ही हाथ से थोड़ा थोड़ा मैश कर लूंगी। और यहाँ पे तेल हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये घोल बना लिया है, सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए थे और मिक्स भी कर लिए। तो अब मैं यहाँ पे डालना शुरू कर देती हूँ।
यहाँ पे मैं और मम्मी पकौड़े बना रहे हैं, तो देखिए मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ, अपनी पूरी कोशिश करती हूँ मैं, मतलब घर का सब काम सीखने की। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्राव भी निकल गया है और मैं निकाल रही हूँ, और एक तो पहले आग ही नहीं जलती है। और अब मम्मी यहाँ पे डालेंगे सेकंड प्राव, और अभी मैंने ये फर्स्ट प्राव उठा लिया है और अब डाल रहे हैं मम्मी, देखिए सेकंड प्राव। और आग फिर से बुझने वाली है क्योंकि अब बरसात में तो आग जलती ही नहीं है, और अब डाल दिया है सेकंड प्राव। और जैसे मैंने ये पकौड़े ऊपर उठाए थे तो एक जो मतलब तेल की बूंद थी वो मम्मी के हाथ पे गिर गई और मम्मी का हाथ भी जल गया था। तो मम्मी मेरे को बाद में डांट रहे थे कि तूने मतलब मेरे हाथ पे तेल की बूंद गिरा दी थी। तो मैंने कहा कि अब मेरी क्या गलती है, गिर गई तो गिर गई। तो अब मैं पलट रही हूँ। यहाँ पे मम्मी जो है मक्की की रोटी पका रहे हैं, और साथ में हमने पकौड़े भी बनाए। तो पकौड़े वाली कढ़ी कितनी अच्छी लगती है, और हमारे पास वैसे भी बासी साग बचा हुआ था कल का। पका ली है और साथ में हमारे पास ये साग भी है और ये कढ़ी हमने पकौड़े वाली भी बना ली है। और अभी हम जो है ये ऐसे ही रोटियां पका लेते हैं। और मम्मी यहाँ मतलब वीडियो पे बात कर रहे थे, मतलब पीछे हिमांशु भी बैठा था और उसने गाने लगाए थे, तो हमें पीछे वाली आवाज़ तो काटनी ही पड़ी। और यहाँ पे मेरे पास दूसरी गड्डी भी घास की मैंने कर ली, तो अब मैं इसको ऐसे ब्यूल के बांध से बांध लूँगी। अरे मैं रस्सी लाना तो दूसरी भूल गई, क्योंकि बारिश का मौसम था तो मैंने एक ही गड्डी की रस्सियाँ उठाई और जल्दी आ गई। मैंने सोचा यार मैं रोज़ भीगती हूँ, आज भी ऐसी भीग जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी गड्डी के लिए रस्सियाँ भी काट दी और अब मैं यहाँ पर इस घास को बांध लूँगी और फिर चलती हूँ। फिर मुझे काउ घर के काम भी करने हैं और वो खाना भी बनाना है। तो अब मैं यहीं पे ही वीडियो का एंड भी कर दूंगी। तो जिनको भी प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।